असमंजस खत्म। 9-10 दिसंबर को देहरादून में ही होगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र। उत्तराखंड में चुनावों से पहले चुनावी तैयारी हुई तेज। 4 दिसंबर को उत्तराखंड आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। दिसंबर में राहुल गांधी भी कर सकते हैं उत्तराखंड का दौरा। कॉर्बेट नेशनल पार्क का बढ़ा किराया, पर्यटकों के लिए महंगी हुई जंगल सफारी। जिप्सियों के किराए में 20-25% तक बढ़ोतरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। सीधा उत्तराखंड लिए चलते हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, कोरोना का नया वेरिएंट। उत्तराखंड प्रशासन सतर्क मोड में आया है, तो धामी सरकार सतर्क मोड में है। हरिद्वार में बिना कोविड सर्टिफिकेट के नो एंट्री है अब। वही जानकारी के मुताबिक नैनीताल के प्रवेश द्वार पर ही अब पर्यटकों की जांच की जाएगी। बिना मास्क घूमने पर कार्रवाई भी की जाएगी, आप पे जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो धामी सरकार अब नए वेरिएंट को लेकर के सतर्क मोड में आ गई है। हाल फिलहाल में ही राज्य में देखा गया कोरोना संक्रमित मामले सामने आए। पुलिस कर्मी संक्रमित पाए गए, वरिष्ठ अधिकारी संक्रमित पाए गए, और अब नया वेरिएंट जो फिलहाल अलग अलग देशों में दस्तक दे चुका है, खतरनाक बताया जा रहा है। इसे लेकर सीएम धामी अलर्ट मोड में है और तमाम व्यवस्थाएं करने की शुरुआत कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रखा गया है। प्रशासन की तरफ से तमाम कोशिशें अब की जा रही हैं। नैनीताल के प्रवेश द्वार पर पर्यटकों की जांच की जाएगी। कोई भी बाहरी व्यक्ति उत्तराखंड में प्रवेश करने से पहले जांच करानी होगी। जो भी गाइडलाइंस है उससे होकर के हर एक व्यक्ति को गुजरना होगा। वहीं अगर बिना मास्क के अगर आप उत्तराखंड में पाए जाते हैं तो आपको जुर्माना देना होगा, आप पे कार्रवाई हो सकती है। विशाखा चौधरी संवाददाता मेरे साथ जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। विशाखा, धामी सरकार अलर्ट मोड में आ गई है नए वेरिएंट को लेकर के, किस तरह की तैयारी कर रही है उत्तराखंड सरकार? जी बिल्कुल सोनिका, देखिए जिस तरह से कल भी जो संक्रमित लोगों की संख्या है वो लगातार बढ़ी है। हालांकि पिछले 2 दिनों में जो ग्राफ था वो घटा था, लेकिन कल फिर से पूरे राज्य में लगभग 28 जो नए संक्रमित मरीज हैं वो मिले हैं। और देखिए परसों एक व्यक्ति की जो मृत्यु है वो भी संक्रमण के तहत हुई है। तो जाहिर तौर पर जो सरकार की चिंता है वो लाजिम है, और जिस तरह से कदम सरकार उठा रही है, मुख्यमंत्री धामी उठा रहे हैं, उन कदमों को बहुत सख्ती से पालन कराने की भी जरूरत है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री धामी के द्वारा कहा गया है कि सभी बॉर्डर्स पर फिलहाल चेकिंग शुरू की जाए, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर, एयरपोर्ट पर दोबारा से जो आरटीपीसीआर टेस्ट है वो कंटेनमेंट जोन बनाकर वहां पर किए जाए, और जो बेहद आप कहिए कि जो बिजी पर्यटक स्थल माने जाते हैं जैसे नैनीताल है, वहां पर भी पर्यटकों की जांच की जाए। बिना मास्क के यदि कोई घूमता है तो उसका चालान किया जाए, और बहुत सख्ती से इन सभी गाइडलाइंस का पालन किया जाए। क्योंकि देखिए जिस तरह से कल WHO ने भी जो नया वेरिएंट अभी कोरोना का यूरोपियन देशों में चल रहा है ओमिक्रॉन, उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया है। और केवल यूरोपीय देशों में नहीं बल्कि जहां जहां उन देशों की ट्रैवल हिस्ट्री रही है, जहां से लोग आए हैं जिस भी देश में, उस देश में भी कहीं ना कहीं उस इस वेरिएंट के लिए WHO ने चिंता जाहिर की है और कहा है कि फिलहाल सभी देशों की सरकारों को, राज्य सरकारों को बहुत संवेदनशील होने की जरूरत है इस वेरिएंट को लेकर। और देखिए उसी के तहत फिलहाल उत्तराखंड सरकार काम कर रही है, और जो गाइडलाइंस बनाई गई है मुख्यमंत्री के द्वारा जो कदम उठा रहे हैं उनको प्रशासनिक स्तर पर बहुत ही सख्ती से फिलहाल पालन कराने की जरूरत है, यदि जिस संभली हुई स्थिति में हम है उस संभली हुई स्थिति में रहना चाहते हैं। तो विशाखा, कदम उठाए जा रहे हैं उत्तराखंड सरकार की ओर से, लेकिन अगर बात करें स्वास्थ्य प्रणाली की तो उसे मजबूत करने के लिए कितना वर्क कर रही है उत्तराखंड सरकार? क्योंकि दूसरी लहर में देखा गया अस्पतालों के क्या हालात थे, किस तरह की मारामारी थी? जी बिल्कुल सोनिका, देखिए मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया कल, स्वास्थ्य विभाग के जो सचिव थे उनको भी कहा गया कि जो भी मेडिकल सुविधाएं हैं, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, वेंटिलेटर्स हैं, आईसीयू बेड हैं, या जितने भी जो उस समय दूसरी लहर के बाद जो कहिए कि जो टेम्परेरी हॉस्पिटल्स बनाए गए थे, टेम्परेरी बेड की जो सुविधाएं दी गई थी उनको वापस से एक बार दुरुस्त किया जाए, और आप एक प्लान के तौर पर उनको रखें कि यदि जरूरत पड़ती है राज्य में तो पहले की जो स्थिति थी वो ना झेलनी पड़े, और कम से कम सुविधाओं के तौर पर राज्य में किसी भी मेडिकल सुविधाओं की, इक्विपमेंट्स की जो कमी है वो ना पड़े।
जब पूछा गया स्वास्थ्य विभाग के सचिव से तो उनको उनके द्वारा यही कहा गया कि जो भी सुविधाएं पिछली बार दूसरे लहर में थी उससे डबल ट्रिपल हर सुविधाएं कर दी गई हैं। जितने आईसीयू बेड थे उसके डबल फिलहाल स्टेट के पास हैं। पिछली बार लैब नहीं थे तो इस बार लैब भी, प्राइवेट लैब भी और गवर्नमेंट लैब की जो संख्या है वो भी दुगनी से अधिक बढ़ा दी गई है। देखिए दावे जो है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से अभी यही हो रहे हैं कि जो स्थिति है उसको सुधारने के लिए पूरी तरीके से सरकार ने काम किया है, प्रशासन ने काम किया है। अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग दावे कर रहा है क्या वो जो स्थिति है वो वैसी ही है। जी चलिए विशाखा, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे और भी अपडेट हम आते रहते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे रुख करते हैं उत्तराखंड में। धामी सरकार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, बड़ी जानकारी है। धामी सरकार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, आईएएस पीसीएस सचिव सेवा के 35 अफसरों का फेरबदल किया गया है। गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के आयुक्त बदले गए हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। उधम सिंह नगर की जिला अधिकारी का भी तबादला किया गया है। प्रशासनिक फेरबदल में ये बड़ा तबादला हुआ है धामी सरकार के। आपको बता दें कि गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के आयुक्तों को बदल दिया गया है। उधम सिंह नगर की जिलाधिकारी रंजना का तबादला शासन में अपर सचिव पद पर किया गया है। वहीं युगल किशोर पंत उधम सिंह नगर के नए जिलाधिकारी बनाए गए हैं। तो 35 अफसरों का ये फेरबदल किया गया है और जानकारी के मुताबिक आईएएस पीसीएस सचिव समेत 35 अफसर बदले गए हैं उत्तराखंड सरकार के। तो ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। तो गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के आयुक्त बदले गए हैं, इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि कुमाऊं आयुक्त सुशील कुमार को गढ़वाल मंडल का आयुक्त और मुख्य कार्यकारी अधिकारी चारधाम देवस्थानम बोर्ड बनाया गया है। विशाखा चौधरी हमारे साथ लगातार बनी हुई है तमाम जानकारी के साथ। विशाखा, 35 अफसरों का तबादला किया गया है, प्रशासनिक फेरबदल हुआ है बड़ा, क्या अपडेट मिल रहा है आपको? जी बिल्कुल सोनिका, देखिए देर रात जो है मुख्यमंत्री के द्वारा इन सभी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं और नौकरशाही में एक बड़ा फेरबदल हुआ है। इसकी संभावना पहले से थी लेकिन इस तरह से मुख्यमंत्री ने देर रात कहीं ना कहीं फेरबदल किया है। और जिस तरह से आपने कहा कि उधम सिंह नगर की जो जिलाधिकारी थी उनको उनका बदल कर उनको अपर सचिव बनाया गया है। इसी के साथ गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के आयुक्त भी बदले गए हैं। गढ़वाल मंडल के जो आयुक्त थे उनको और अधिक जिम्मेदारी दी गई है। चारधाम जो देवस्थानम बोर्ड था उसको रद्द करने के बाद जो वहां का काम है उसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाए गए हैं। इसके बाद अभी कुमाऊं के जो आयुक्त थे उनका पद अभी खाली है और अभी फिलहाल वहां पर किसी को तैनात नहीं किया गया है। इसके बाद जिस तरह से भी देखिए चुनाव से ठीक पहले आप कह सकते हैं कि यह जो एक कह सकते हैं कि अंतिम फेरबदल राज्य सरकार का हो सकता है नौकरशाही में और बहुत सोच समझ कर राज्य सरकार के द्वारा इस प्रशासनिक फेरबदल को किया गया है। जो भी अधिकारी हैं चाहे वो आईएएस अधिकारी हैं या जो अन्य अधिकारी हैं उनको बहुत जो फिलहाल कहिए कि चुनाव से ठीक पहले जो जिम्मेदारियां दी गई हैं वो उनके कार्यशैली को देखते हुए पिछले जितने भी समय से वो अपने अपने पद पर तैनात थे उनको दी गई है। और जिस तरह से आप कह सकते हैं कि एक बड़ा फेरबदल हुआ है और चुनाव से ठीक पहले यह एक अंतिम फेरबदल हो सकता है राज्य सरकार का। और उसी के अकॉर्डिंग जिस तरह से कल मुख्यमंत्री ने चारधाम देवस्थानम बोर्ड को रद्द किया तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक अमले पर भी उन्होंने नजर डालते हुए जो भी वो फेरबदल सही लगा वो रद्द किया। यानी जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं कि पहले से ये पूरा तैयार क्या हुआ था और अचानक से फेरबदल। जी बिल्कुल सोनिका, इसकी संभावना पहले से थी कि नौकरशाही में एक अंतिम फेरबदल राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। यह देखने वाली बात होगी कब तक किया जाएगा। और जिस तरह से मुख्यमंत्री के द्वारा लगभग आप कह सकते हैं कि आईएएस समेत जो 35 अधिकारी हैं राज्य के और आईएएस अफसरों समेत उनके तबादले किए गए हैं, उनको नई जिम्मेदारियां दी गई है। खासतौर पर कई जिलों के जिस तरह से जिलाधिकारी को जो जिम्मेदारियां दी गई है वो महत्वपूर्ण है। और जो फिलहाल सरकार के जो महत्वपूर्ण पद है चाहे वो सचिव के तौर पर हो, अपर सचिव के तौर पर हो, मुख्य सचिव के तौर पर हो, ऐसे पदों पर भी राज्य सरकार के मुख्यमंत्री के जो कही की जिस तरह से जिन अफसरों को तैनात किया गया है कहीं ना कहीं उनके कार्यशैली को देखते हुए तैनात किया गया है और संभावना इसकी पहली से। चलिए विशाखा बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे रुख करते हैं उत्तराखंड में। विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर असमंजस की जो स्थिति बनी हुई थी खत्म हो गई है, बड़ी जानकारी इस वक्त की। 9 और 10 दिसंबर को देहरादून में ही होगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र, ये जानकारी इस वक्त सामने आई है। अमृत महोत्सव को लेकर के भी सदन में चर्चा होगी। वही
पहले गैरसैंण में होना था सत्र, इस पर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, अब वो स्थिति खत्म हो गई है। जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड में विधानसभा का शीतकालीन सत्र अब 9 और 10 दिसंबर को देहरादून में होना है। अमृत महोत्सव को लेकर के सदन में चर्चा की जाएगी। तमाम मुद्दे इस वक्त सामने हैं उत्तराखंड सरकार के। धनराज गर्ग फोन लाइन पे मेरे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता। धनराज, शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने जा रही है, कौन से अहम मुद्दे रहेंगे इसके दौरान उत्तराखंड सरकार के पास? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपको बता दूं कि जो शीतकालीन सत्र था वो कहीं ना कहीं गैर चयन में होने की बात कही जा रही थी, कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति लगातार बनी हुई थी, लेकिन उसको जो असमंजस की स्थिति बनी हुई थी वो अब साफ हो चुकी है कि देहरादून में ही ये 9 और 10 तारीख को विधानसभा सत्र होगा, और जिसमें काफी मुद्दे सरकार के हैं। यानी कि कहा जा सकता है कि जिस तरीके से देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया गया है, इस तरह के मुद्दे काफी मुद्दे उसमें आने हैं। तो इन मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो भी लगातार हमलावर है। विपक्ष के माने तो विपक्ष का भी साफ तौर पर कहना है कि तमाम मुद्दे उत्तराखंड के हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, वही देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा है, कई मुद्दे ऐसे हैं जिनको विधानसभा में उठाया जाएगा। जी यानी विपक्ष की भी तैयारी पूरी तरीके से हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं कि तमाम मुद्दों को उठाने के, क्या हंगामे के भी कोई आसार, ऐसी कोई संभावना? जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए कि विधान जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं हमलावर सरकार पे लगातार रहता है, और विपक्ष का साफ तौर पे कहना है कि काफी मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो या अन्य कई मुद्दे ऐसे हैं कि जिनको मुद्दों को लेकर वो सड़कों से लेकर विधानसभा तक हंगामा करेंगे। और कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कि जब हंगामा होगा तो किन मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करता है। चलिए धनराज, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने जा रही है उत्तराखंड विधानसभा की, 9 और 10 दिसंबर को देहरादून में ही होगा। आगे रुक करते हैं, एक और बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। उत्तराखंड में चुनावों से पहले ही चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। 4 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी उत्तराखंड जाएंगे, बड़ी जानकारी इस वक्त ये सामने आ रही है। 4 दिसंबर की वो तारीख जब पीएम नरेंद्र मोदी देवभूमि की धरती पर पहुंचेंगे। दिसंबर में राहुल गांधी भी उत्तराखंड का दौरा कर सकते हैं, ये बड़ी जानकारी भी इस दौरान सामने आई है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इसके संकेत दिए हैं, तो राहुल गांधी का दौरा भी हो सकता है उत्तराखंड का। पीएम नरेंद्र मोदी 4 दिसंबर को पहुंच रहे हैं, और कहा जा रहा है कि कई परियोजनाओं की सौगात उत्तराखंड को दे सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी। शिलान्यास किया जाएगा, कई करोड़ों की परियोजनाओं का जनसभा को संबोधित करेंगे, और लक्ष्य रखा गया है 1,00,000 लोगों की उपस्थिति का। तो पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है, ऐसे में विपक्षी पार्टियां लगातार कोशिश कर रही हैं तमाम। अब राहुल गांधी कहा जा रहा है कि रुक करेंगे कांग्रेस नेता उत्तराखंड का, और मुलाकात कर सकते हैं वहां पर तमाम कार्यकर्ताओं से, मंत्र उनकी तरफ से दिया जा सकता है 2022 को देखते हुए। हालांकि बीजेपी भी कोई कसर नहीं छोड़ रही, एक बार फिर सत्ता में वापस लौटने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी भी लगातार उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, इससे पहले भी उत्तराखंड गए। एक बार फिर 4 दिसंबर को उनका उत्तराखंड का दौरा होना है, और कई कार्यक्रम उनके तय है। इस दौरान जनसभा को संबोधित करेंगे, कई सौगात उत्तराखंड वासियों को दी जा सकती है। वहीं राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरे को लेकर के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की ओर से इसके संकेत दिए गए हैं, क्योंकि तमाम मुद्दे हैं उत्तराखंड में जिसे लेकर के कांग्रेस लगातार बीजेपी पे हमलावर है। अब उन्हीं मुद्दों को और हवा देने के लिए राहुल गांधी भी रुख कर रहे हैं, सियासत गरमाने के लिए राहुल गांधी अब उत्तराखंड का रुख करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की ओर से इसके संकेत दिए गए हैं। वहीं सीएम धामी लगातार एक्टिव मोड में है, पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर तैयारियों का जायजा उनकी तरफ से लिया जा रहा है लगातार। संचित शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संचित, पीएम नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड का दौरा होना है, वहीं दूसरी ओर जानकारी मिल रही है कि दिसंबर में ही राहुल गांधी भी आ सकते हैं, जानकारी दीजिएगा कि क्या अपडेट आपको मिल रहा है। देखिए सोनिका, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय नेता है उनका उत्तराखंड दौरा लगातार चल रहा है, और वहीं अगर विपक्ष की बात करें जो कांग्रेस है और कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व की बात करें, चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे वो प्रियंका गांधी हो, इनके दौरों को लेकर के लगातार जो आम आदमी पार्टी है और जो
भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही सवाल उठाती नजर आई। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस नेतृत्व विहीन हो गई है, उनके पास कोई नेतृत्व ही नहीं है जो उनको उनका उनका मोर्चा संभाले, उनका झंडा संभाले, जिसको लेकर के लगातार जो जो भारतीय जनता पार्टी है वो उनको घेरने का काम कर रही थी। उसी के ऊपर आप देखिए कि अब कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के सूत्र की अगर माने तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी का दौरा भी दिसंबर के महीने में उत्तराखंड में हो सकता है। और पीएम नरेंद्र मोदी के क्या कुछ कार्यक्रम तय है इस दौरान संचित? देखिए, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की बात करें तो 4 दिसंबर को आपका परेड ग्राउंड में आएंगे और साथ ही साथ वो एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। अगर जनसभा के लोगों की बात करें तो जो भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने करीब 1,00,000 लोगों का लक्ष्य रखा है कि 1,00,000 लोगों को जनसभा में बुलाना है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आप देखिए कि इसे उत्तराखंड की जो राजनीति है और जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें एक माइल लेने के काम करेगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में आएंगे। आप देखिए कि कल ही जो देवस्थानम बोर्ड को लेकर के जो विवाद उत्तराखंड के अंदर चल रहा था उसको कहीं ना कहीं अब शांत कर दिया है। तो कहीं ना कहीं देखिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ गए तब वहां पर जाकर के उन्होंने पंडे पुरोहितों से कोई बात नहीं करी ना तमाम तरीके के देवस्थानम बोर्ड पर कोई बात कही। और अब देखिए जब 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आएंगे निश्चित रूप से वो जो पंडे पुरोहित है उनके लिए कोई ना कोई बात जरूर कहेंगे। कांग्रेस की बात की जाए संचित, तो अभी तक सीएम चेहरा सामने नहीं आया है कांग्रेस से कोई भी उम्मीदवार, ऐसे में राहुल गांधी पहुंच रहे हैं, क्या कुछ फैसला उनकी तरफ लिया जा सकता है क्या? देखिए सीएम चेहरे की बात करें तो जो कांग्रेस के बड़े नेता है चाहे वो हरीश रावत हो, चाहे वो प्रीतम सिंह हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल हो, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जब उनकी कमेटी अगर उनकी सरकार उत्तराखंड के अंदर बनती है तो उनके जो विधायक दल होगा, जो विधायक दल होगा और विधायक दल का नेता कौन बनेगा वो सारे विधायक बैठ करके डिसाइड करेंगे, उनका शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करेगा। और आज तक उत्तराखंड की अगर बात करें तो चुनाव से पहले कभी भी उत्तराखंड के अंदर सीएम कैंडिडेट का चेहरा कभी घोषित नहीं किया गया। हालांकि हरीश रावत अभी भी कई अपने बयानों में कहते हुए नजर आते हैं कि वो सीएम का चेहरा होंगे, लेकिन अभी अगर आधिकारिक पुष्टि की बात करें या उनके प्रदेश अध्यक्ष की बात करें तो ऐसा कोई बयान उनकी तरफ से भी जारी नहीं किया गया। सोनिका, ठीक है संजय, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। आगे रुक करते हैं, एक और बड़ी जानकारी उत्तराखंड से सामने आ रही है, कॉर्बेट नेशनल पार्क का किराया बढ़ा दिया गया है। तो बड़ी जानकारी है, दिसंबर महीने की शुरुआत हो गई है और शुरुआत में कॉर्बेट नेशनल पार्क का किराया बढ़ा दिया गया है। पर्यटकों के लिए अब जंगल की सफारी और महंगी हो जाएगी। दरअसल आज से ही किराया बढ़ा दिया गया है, जिप्सियों के किराए में 20 से लेकर 25 फीसदी तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। तो जिप्सी किराया पिछले कुछ सालों से नहीं बढ़ा था और दिसंबर महीने की शुरुआत पहले दिन ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क का किराया बढ़ा दिया गया है। लोगों की जेब पर सीधा असर होगा क्योंकि पर्यटकों के लिए अब जंगल की सफारी महंगी हो गई है। आज से ही जिप्सियों के किराए में 20 से लेकर 25 फीसदी तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। पिछले कई सालों से किराया नहीं बढ़ाया गया था, ये जानकारी मिल रही है और आज दिसंबर के पहले दिन किराया बढ़ा दिया गया है कॉर्बेट नेशनल पार्क का। हालांकि इससे जंगल की सफारी करना तमाम पर्यटकों के लिए महंगा हो जाएगा। तो जिप्सियों के किराए में 20 से लेकर 25 फीसदी तक की बढ़ोतरी कर दी गई है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। पिछले कुछ सालों से किराया नहीं बढ़ाया गया था और इस बार किराया बढ़ा दिया गया है। तो आम लोगों के लिए जिस तरीके से आज कई और भी चीजें महंगी कर दी गई हैं, उसी बीच कॉर्बेट नेशनल पार्क का किराया भी बढ़ा दिया गया है। उत्तराखंड चुनाव को लेकर के बीजेपी की तैयारी भी तेज हो गई है। तो उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, इसे लेकर बीजेपी की ओर से भी तैयारियां तेज कर दी गई है। सीएम धामी की ओर से बड़ी घोषणा की गई है। दरअसल उनकी तरफ से कहा गया है कि जसपुर में खेल स्टेडियम बनेगा। युवाओं को मद्देनजर ये फैसला लिया गया और गढ़ी नेगी को नगर पंचायत का दर्जा दिया जाएगा, ये बड़ी घोषणा की गई है सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से। जसपुर में खेल स्टेडियम और गढ़ी नेगी को नगर पंचायत का दर्जा दिया जाएगा। तो विधानसभा चुनाव से पहले ये बड़ी घोषणा की गई है सीएम धामी की ओर से। तो बीजेपी तैयारियों में जुट गई है एक बार फिर सत्ता में लौटने के लिए। वहीं सीएम धामी की बात की जाए तो बेहद कम कार्यकाल में बड़े फैसले उनकी तरफ से लिए जा रहे हैं लगातार। अब खेल स्टेडियम बनाया जाएगा जसपुर में, युवाओं को देखते हुए ये फैसला लिया गया है और सीधा युवाओं को साधने की कोशिश की गई है। वहीं गढ़ी नेगी की बात की जाए तो नगर पंचायत का दर्जा दिया जाएगा। तो ये बड़े घोषणाएं की जा रही है सीएम धामी की ओर से विधानसभा चुनाव से पहले। कि हम ये
सितारगंज की शुगर मिल चलाएंगे और मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि कल सितारगंज की शुगर मिल चालू हो गई है और कल का ऐतिहासिक दिन था। इस समय में जिस प्रकार से कोरोना महामारी की मार पड़ी है वो केवल काम धंधों पर नहीं पड़ी है, छोटा काम करने वाला हो, बड़ा काम करने वाला हो, उद्योग चलाने वाला हो, हर कोई इसे प्रभावित हुआ है और सरकार भी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती है। सरकार के भी बहुत सारे काम चल नहीं पाए हैं, उसके बावजूद भी हमने तय किया कि हम एक एक करके जितने भी मामले हैं, जितने लोगों की मांगे हैं, जितनी समस्याएं हैं, उन सब पर काम करेंगे। उसको ध्यान में रखते हुए लंबे समय से गन्ना मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, गन्ना मंत्री जी लगातार हमारे किसानों के लिए लगातार ये कहते रहते थे कि गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ना चाहिए, गन्ने का मूल्य घोषित होना चाहिए। हमने उत्तर प्रदेश का भी अध्ययन किया, हमने तय किया कि हमारे किसान भाइयों के साथ हमारी सरकार उनके सहयोगी के रूप में, उनके साझेदार के रूप में खड़ी रहेगी और 355 रुपए हमने इसका गन्ने का मूल्य घोषित किया है। पिछले साल का गन्ने का मूल्य और सब हम मिलाए तो हमने इसमें जो अगेड़ी प्रजाति की गन्ने की फसल है उसके लिए 355 रुपए घोषित किया है, सामान्य प्रजाति के लिए 345 घोषित किया है और भाड़ा जो 11 रुपए था उसको हमने 9.5 रुपए किया है और इसके साथ सब मिलाकर 29.5 रुपए की बढ़ोतरी की है पूरे साल भर में। पिछले साल की तुलना में 29.5 रुपए अधिक जो है गन्ने का मूल्य मिलेगा। हम सभी किसान भाइयों का धन्यवाद करना चाहते हैं और हमने तय किया है कि किसान भाइयों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न, लगातार काम करेंगे और जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का विजन है कि किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए, किसानों का जीवन स्तर बढ़ना चाहिए, इसलिए उन्होंने कहा कि जय किसान जय जवान और जय अनुसंधान, उन्होंने विज्ञान के साथ अनुसंधान को भी जोड़ा है। किसानों के क्षेत्र में चाहे आज स्वयं मुद्रा कार्ड की बात हो, चाहे किसानों की आय दुगना करने की बात हो, किसानों के क्षेत्र में अनुसंधान करने की बात, चारों धामों के तीर्थ पुरोहितों के 734 दिनों के आंदोलन के बाद आखिरकार प्रदेश की बीजेपी सरकार ने उत्तराखंड चार धाम देवस्थान प्रबंधन अधिनियम वापस लेने का फैसला ले लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रिमंडलीय उपसमिति की रिपोर्ट पर मंगलवार को एक्ट वापस लेने की घोषणा की। अब प्रदेश सरकार विधेयक को निरस्त करने के लिए विधानसभा सत्र के दौरान सदन में वापसी का विधेयक लाएगी। इस तरह बीजेपी सरकार में त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल का एक और फैसला पलटा गया है। तो चारों धामों के देवस्थान बोर्ड को लेकर के ये बड़ा फैसला ले लिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री के फैसले को पलटा गया और वापस ले लिया गया है। तो सीएम धामी की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया। तीर्थ पुरोहित जो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे अब उनकी नाराजगी भी खत्म हो गई है। तो एक्ट वापस लेने की घोषणा कर दी गई है सीएम की ओर से। तो इसके बाद तमाम तीर्थ पुरोहितों में खुशी की लहर इस वक्त देखी जा रही है। लंबे समय से सरकार से नाराज चल रहे थे, लगातार विरोध किया जा रहा था, मांग की जा रही थी देवस्थान बोर्ड को भंग करने की। जो फैसला लिया गया था पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार ने, उसके बाद सीएम धामी ने लंबा विरोध देखते हुए तीर्थ पुरोहितों की इस मांग को स्वीकार किया और एक्ट को वापस लेने की घोषणा उनकी तरफ से कर दी गई है। आगे रुख करते हैं पंजाब से। इस वक्त बड़ी जानकारी सामने आ रही है, आज पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक होगी। पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक पंजाब भवन में होनी है। दोपहर का वक्त होगा 3:30 पर पंजाब भवन में कैबिनेट की बैठक होगी और इस बैठक में कर्ज माफी और बेरोजगारी जैसे मुद्दे शामिल हो सकते हैं। वहीं किसानों की कर्ज माफी को लेकर कल ही पंजाब सीएम ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था। पंजाब के किसानों की कर्ज माफी पर केंद्र से मदद की अपील की गई है सीएम चन्नी की ओर से। तो ये बड़ी जानकारी है, पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक आज होने जा रही है। इससे पहले भी देखा गया है तमाम जनहित में फैसले लिए जा रहे हैं सीएम चन्नी की ओर से लगातार, और अब एक बार किसानों के लिए उनकी तरफ से ये बैठक आज की जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी से अपील भी की गई है उनकी ओर से किसानों की कर्ज माफी को लेकर के। तो आज दोपहर ये बैठक होनी है पंजाब भवन में।
आगे रुख करते हैं पंजाब में। विकास कार्यों को लेकर सरकार बेहद गंभीर नजर आ रही है। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने विकास कार्यों की सौगात दी है पंजाब वासियों को। कोटकपुरा जैतो को 15-15 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात दी गई है। सीएम चन्नी की तरफ से कोटकपुरा में गोलीबारी की घटना के लिए बादलों को जिम्मेदार ठहराया है। बेअदबी की घटनाएं बरगाड़ी कोटकपुरा गोलीकांड के पीछे बादल का हाथी कहा गया है सीएम चन्नी की तरफ से। आपको बता दें पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने मंगलवार को बरगाड़ी में बेअदबी की घटना और इसके नतीजा के तौर पर कोटकपुरा में घटी गोलीबारी की घटना के लिए बादलों को जिम्मेदार ठहराया। मुख्यमंत्री कोटकपुरा की नई अनाज मंडी में बड़ी रैली को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने कोटकपुरा जैसे जैतो विधानसभा हलकों के सर्वपक्षीय विकास के लिए 15-15 करोड़ रुपए देने का ऐलान भी किया। अपनी सरकार के रुख को दोहराते हुए सीएम चन्नी ने कहा कि उनकी सरकार के सभी वादे सिर्फ 2 महीनों के दौरान में हकीकत में बदल दिए गए हैं। तो सीएम चन्नी जो लगातार जनहित में फैसले ले रहे हैं और लगातार जनता के बीच पहुंचते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, जल्द से जल्द निस्तारण का आश्वासन दिया जाता है, समस्याओं को निपटाया जाता है। चलिए इस वीडियो में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।